हजारीबाग के मेरू पंचायत में हरित ग्राम योजना के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिला है। महिला मजदूर लक्ष्मी देवी का कहना है कि लॉकडाउन में उन लोगों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, यह सुखद है, लेकिन मजदूरी दर बढ़ाने की जरूरत है। मनरेगा का काम कर रहे हैं सर, हम लोग का रोजगार मिला हुआ है, इसमें पानी रुकेगा, फल मिलेगा, छाया रहेगा, तो हम लोग को यही रोजगार मिला डोन लोक में। मनरेगा योजनाओं के तहत बागवानी योजना से जहां लोगों को रोजगार मिला है, बाद में इन पौधों से ग्रामीणों को आमदनी भी होगी और पर्यावरण की भी रक्षा हो सकेगी। काम में जुटे मजदूर योगेंद्र राम का कहना है कि पौधे लगने से गांव भी सुंदर बनेगा। बागवानी लगेगा, अगले दिन में फल होगा। मनरेगा योजनाओं के माध्यम से जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं इन योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनुजा राणा का कहना है कि ग्रामीणों को भविष्य में आय वृद्धि के लिए भी आम बागवानी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ अभी हरित ग्राम योजना, एक योजना हमारे यहाँ आई है मनरेगा के तहत। इस योजना के तहत हम लोग रैयती जमीन पर, एक एकड़ जमीन पर आम बागवानी का पौधा कर रहे हैं। गैर मजरुआ जमीन पर मिक्स फ्रूट का पौधा लगवा रहे हैं। लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति में मनरेगा एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों के लिए रोजगार का प्रमुख जरिया बना है, वहीं इन योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण और आय संवर्धन का लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा। हजारीबाग से शादुल कुमार की रिपोर्ट।